दोस्तों इस ट्रैक्टर में भाई साहब आपको 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। और भाई साहब इसके इंजन की बात करूं तो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन देखने को मिलेगा जो कि माइको वॉश के इनलाइन पंप के साथ आता है। साथ में इस ट्रैक्टर की बात करूं तो भाई साहब 47 हॉर्स पावर के अंदर ये मात्र एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि भाई साहब 4 सिलेंडर के इंजन के साथ आता है। साथ में अपन बात करें भाई साहब इस ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे लोडेड फीचर लगाए गए हैं कि भाई साहब आपका जो 605 या कोई और मॉडल जो महिंद्रा का आता है भाई साहब सारे ये सारे फेल कर दिए हैं जब से ये मॉडल आया है। और भाई साहब इसकी मार्केटिंग ऐसी करी गई है ना भाई साहब कि आपको बताऊं, और भाई साहब फीचर गिनाऊंगा तो भाई साहब बोलोगे कि भाई साहब आज की डेट में इससे आगे कुछ नहीं है भैया वाकई में। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं भाई साहब कैसा क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा वीडियो में सस्पेंस बनाया जाएगा तो रुके रहिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इंजन के ऊपर, और टैपेट कवर भाई साहब आपको सिंगल टाइप देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपको अगर सर्विस वगैरह करनी है टैपेट की तो आप एक बार खोलोगे तो सारी टैपेट की सर्विस एक बार में हो जाएगी। साथ में अपन बात करें इंजन की धर्मा की तो भाई साहब आपको स्क्वायर शेप टाइप धर्मा देखने को मिलता है, मतलब कि जो इंजन है वो पूरा धर्मा टाइप सिस्टम में देखने को आपको मिल जाएगा। साथ में अपन बात करें यहाँ पे फ्यूल स्टेज फिल्टर वगैरह की तो सिंगल फ्यूल स्टेज फिल्टर देखने को मिलेगा, सिंगल वाटर सेपरेटर देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर लुकास टीवीएस कंपनी का आपको यहाँ पर सेल्फ देखने को मिल जाता है। साथ में अपन बात करें भाई साहब इस ट्रैक्टर में आपको 6 साल की गारंटी वारंटी देखने को मिलती है, मतलब भाई साहब तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो 6 साल तक लागे पटक दो भाई साहब कंपनी उसको सुधार के देगी नहीं तो बदल के देगी, जो भी चीज़ें हैं भाई साहब वो आप डीलरशिप पर समझ सकते हैं। साथ में अपन बात करें भाई साहब इसका जो सबसे अपडेटेड फीचर जो आया है इसमें वो आया है कि भाई साहब इस ट्रैक्टर में पहले आपको ऑयल बाथ वाला एयर क्लीनर देखने को मिलता था, पर अब आपको जो है कि डुअल एलिमेंट वाला ड्राई एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा, जिससे होता क्या है कि भैया कॉम्पैक्ट भी रहता है, बार बार उसको बोनट से निकालना नहीं पड़ता, मतलब बोनट खोलने में आपको झंझट खत्म हो जाएगी। साथ में यहाँ पे हम बात करें भाई साहब एयर फैन की डिजाइनिंग को भी थोड़ा सा चेंज करके रखा गया है क्योंकि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। साथ में अपन बात करें और साथ में अपन बात करें भाई साहब ओवरफ्लो विथ रिजर्वायर जो कि आपके CRDI में जो सिस्टम्स आते थे वो वाले कूलिंग सिस्टम और बाकी एयर फिल्टर सिस्टम बाकी सारी चीज़ें CRDI ट्रैक्टर की दे दी गई हैं। और भाई साहब कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कलर कॉम्बिनेशन भी आपको यहां पर देख सकते हो, पूरा CRDI जो कि स्पार्कल वाला मेटैलिक कलर देखने को मिलता है। महिंद्रा ने ये कलर अपने छोटे ट्रैक्टरों में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। साथ में यहां पर बात करूं कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर को मल्टी स्पीड PTO 12 स्पीड PTO के साथ लॉन्च किया है, जो कि कंपनी स्पेशली कंपनी ने यहाँ स्टिकर लगा के दिया हुआ है, ये एडिटेड नहीं है भैया, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर एडिटिंग नहीं है, ये स्पेशल मॉडल कंपनी ने बना के दिया हुआ है। इसकी लुकिंग डिजाइनिंग भाई साहब थोड़ी सी चेंज करी गई है, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया गया है, सारी चीज़ों की बात करी जाएगी तो वीडियो में बने रहिएगा। इंजन की बात अगर हो गई है तो भाई साहब सबसे पहले अपन बात करें भाई साहब ये मॉडल है महिंद्रा का योवोटेक 575 DI XP+, है ना, XP+ नहीं 575 Tech+, है ना, ये वो मॉडल है। इसमें आपको कलर सबसे पहला जो बदलाव देखने को मिलेगा ये CRDI में जो कलर कॉम्बिनेशन आता था भाई साहब वो कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में अपन बात करें भाई साहब इसके जो रिम कलर हैं, नॉर्मली आपने 475 575 में आपने रेड कलर के रिम देखे होंगे, पर यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का रिम देखने को मिल जाएगा जो कि महिंद्रा अपने बड़े ट्रैक्टरों में यूज करती है। साथ में यहाँ पे अपन टायर ऑप्शंस की बात करूँ तो आगे 9/5/20 का टायर देखने को मिलेगा, पीछे 14/28 का टायर देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर भाई साहब काफी बड़ा और बल्की टाइप का देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई साहब ट्रैक्टर की हाइटिंग डिजाइनिंग सारी चीजों को बड़ा किया गया है। और यहाँ पे अपन बात करें कंपनी ने आपको यहाँ पर डिजी सेंस जो महिंद्रा अपने GPS सिस्टम को बोलता है वो लगा के दिया गया है। डुअल क्लच आपको देखने को मिल जाएगा, 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 6 साल की वारंटी, MSPTO और स्पेशल मॉडल, ये स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर है। साथ में यहाँ पर बात करें जो महिंद्रा के जो किसान भाई थे भाई साहब रेस का जो पैडल है वो बार बार ढीला या मल्टीपल एडजस्टमेंट आप ले सकते हो, एक तो एडजस्टमेंट यहाँ से ले सकते हो, ये देखो एक रॉड ये लगाई गई है, एक रॉड ये लगाई गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है कि रेस पैडल को भी इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है कि भाई साहब उसमें लगभग 4 से 5 तो आपको जो है कि एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएंगी।
साथ में यहाँ पे जो 605 में नीचे CRDI में जो नीचे टूल बॉक्स आता था उसी तरीके का टूल बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लच की एडजस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, अप टू डाउन वाले क्लच ब्रेक पेडल देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे बात करूँ हेडलाइट वगैरह है, क्रोम कवर काफी ज्यादा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो क्रोम का कलर है। बैजिंग वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी महिंद्रा की, हेडलाइट वगैरह आप देख सकते हो काफी शानदार आपको देखने को मिलेगी। साथ में अपन बात करें भाई साहब 14 और 28 के टायर्स के साथ आप MRF, गुडियर, C8 जो भी कंपनी आप लेना चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में इंडिकेटर वगैरह थोड़ा से और चेंज हो जाते तो भाई साहब ये फुल्ली ऐसा लगता है कि CRDI ट्रैक्टर ही है। साथ में इसके ट्रांसमिशन की बात करूँ, सबसे बड़ा जो इसमें बदलाव हुआ है वो ट्रांसमिशन और PTO में हुआ है। इसमें आपको हाई लो मीडियम गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ देखिए प्रॉपर बैजिंग दी गई है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देखने को मिल जाएंगे, मतलब 4 गियर फॉरवर्ड के और 1 रिवर्स का मेन गियर लीवर में आपको देखने को मिलेगा। साथ में सीट भाई साहब आपको CRDI वाली देखने को मिलेगी, मतलब जो किसान भाई परेशान थी ना कि भैया सीट अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो उनका जो कि निराकरण प्रॉपर कर दिया गया है, कोई समस्या अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अपन बात करें इस तरफ आपका जो पार्किंग का लीवर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है कि PC DC लीवर दोनों देखने को मिलेंगे। इस तरफ अब बात करते हैं भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर 4-व्हील ड्राइव का लीवर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको जो MS PTO को ऑपरेट करना है, मतलब कि 12 स्पीड आपको ऑपरेट करनी है, तो 4 स्पीड आप S में लोगे, 4 स्पीड आप इसके पीछे वाले खांचे में लोगे जिसमें M लिखा हुआ है, और इसमें न्यूट्रल कर दोगे तो पीछे वाला जो गियर दिया हुआ है उसको आप 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। आगे आपका 540 लगेगा और पीछे लगेगा भैया आपके पूरे गियर्स में PTO, मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि लगभग 12 स्पीड PTO आपको देखने को मिलेंगी। साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको GPS सिस्टम भी लगा के दिया जाता है, अगर आप अपने ट्रैक्टर की निगरानी वगैरह करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से निगरानी वगैरह कर लोगे। साथ में यहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करूँ तो प्रॉपर आपको जो कंपनी ने फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑफर किया गया है किसान भाइयों के लिए। साथ में यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब आपको डिफरेंशियल लॉक और डबल डिस्ट्रीब्यूटर जैसे फीचर्स भी आपको पूरे देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लॉक जैसे फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल का है, ये आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर आप ऑपरेट करना चाहते हैं जैसे कि इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये जो बोल्ट दिया गया है इससे आप ट्रांसपोर्ट लॉक को ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर जो लीवर दिया गया है ये 4-व्हील ड्राइव को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए दे दिया जाता है। साथ में अपन बात करें पीछे तो भाई साहब इसमें आप PTO वगैरह की बाकी सारी चीज़ें की बात करते हैं तो भाई साहब आपको जो कि हिच, टॉप लिंक, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं भाई साहब कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगी। पीछे से भाई साहब प्लेंटी ड्राइव रियर एक्सल देखने को मिल जाएगा, फ्रंट एक्सल भी आपको जो है कि बीवेल टाइप वाला देखने को मिलता है, फ्रंट एक्सल आप यहां से देख सकते हो, बीवेल टाइप वाला फ्रंट सील्ड एक्सल देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पे PTO के ऑप्शंस हैं, काफी सारे PTO के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 43 हॉर्स पावर की, 43.1 हॉर्स पावर की आपको PTO देखने को मिल जाती है, और भाई साहब काफी शानदार जो कि यहाँ पर आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। साथ में अपन बात करें टाइल्स वगैरह की तो टाइल्स आपको यहाँ पर देख सकते हो काफी शानदार और काफी हैवी ड्यूटी देखने को मिलती है। कंपनी ने सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो भाई साहब इसके PTO में है। सबसे पहले तो ये जो PTO के ऑप्शन है ये बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हो, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो कि भाई साहब क्या क्या चीजें इसमें जो कि प्रॉपर लगाई गई हैं। साथ में ये जो PTO का ऑप्शन है इसमें भी आपको जो है कि 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पीछे गियर्स में PTO और आगे आपको 540 का PTO देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें ये जो है भाई साहब आपको पहले यहाँ पर चेन्स वगैरह देखने को मिलती थी, अब आपको प्रॉपर जैक बार देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपको ट्रिपल सेंसिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, मतलब आपको अगर ट्रैक्टर हार्ड मिट्टी, गीली मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी में ऑपरेट करना है तो अलग अलग तरीके से आप इसमें 3 सेंसिंग पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर आपको 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, अपने हिसाब से आप सेंसिंग को चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर आपको डुअल सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि भाई साहब मैंने जो रील बनाई थी उसका भाई साहब कहीं ना कहीं महिंद्रा तक पहुँचने का जो कि सफल कार्य हुआ है, और यहाँ पे आपको डबल सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। नॉर्मली कंपनी क्या करती है 2 सेंसिंग पॉइंट देके खत्म कर देती है, पर यहाँ पर आपको 2 सेंसिंग के तो जैक दिए गए हैं जिससे कि आपकी सेंसिंग प्रॉपर बनी रहे। साथ में यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर 2 लगे हुए हैं, तो अगर डबल करना चाहते हैं तो ऑपरेट हो पाएंगे। साथ में यहाँ पर बात करें भाई साहब यहाँ पर कमीशन काफी शानदार दिया गया, थोड़ा सा रेड और जो CRDI में सिल्वर रिम जो आते हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए, और जो किसान भी चाहते थे कि भैया रेड है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में भैया और कोई किसान भाई चाहता है कि बॉडी की कलर रिम को मैच कर दिया जाए तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अपन बात करें 4-व्हील ड्राइव शाफ्ट की, सबसे मेन होता है 4-व्हील ड्राइव।
तो फोर ड्राइव ट्रैक्टर में आपको ये जो शाफ्ट है, फोर व्हील ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट है, ये फुली प्लास्टिक के कवर से कवर करके दी गई है। साथ में यहाँ पर वगैरह के लिए प्रॉपर रेसिंग पॉइंट और बीवल वाला फ्रंट टैक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की टायर रॉड है वो आगे से लगा के दे दी जाती है। और हमारे यहाँ पर अगर प्रोविजन पॉइंट्स की जो कि आप बंपर वगैरह लगाए तो आप यहाँ से जो कि ये प्रोविजन पॉइंट दिए हुए बंपर भी आप बड़े हमेशा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो फॉलो करिएगा। जय जवान, जय किसान।